वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। 11 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है आपका कुछ ऐसा कि साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 माइनस में कॉस 60 इंटू में साइन 30 का जो वैल्यू होगा साइन 30 के बराबर होगा, ऐसा आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये आपका होता है रूट 3/2। LHS को सॉल्व करते हुए चलेंगे आप, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, ये भी होता है आपका रूट 3/2 के बराबर। माइनस में कॉस 60 होता है आपका 1/2 इंटू में साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे तो रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 3, नीचे आपका 4। माइनस में 1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे 1, नीचे आपका 4 आ गया। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका एलसीएम, 3 - 1 = 2/4, और 2/4 को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1/2 हो जाएगा LHS पार्ट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर RHS को सॉल्व करिएगा तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, ये भी आपका किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आ चुका है, डैट मीन्स आपका LHS जो है RHS के बराबर हो गया। क्लियर बात है इतना, ये आपका हो गया प्रूफ। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर कि साइन 60 और कॉस 30, साइन 60 इंटू साइन 30 दे रखा है बराबर कॉस 30 के बारे में बता रखा है। तो आपका कॉस 30 जो होता है, कॉस 60 जो होता है किसके लिए बराबर होता है आपका 1/2 के लिए, और कॉस 30 जो होता है आपका होता है रूट 3/2 का वैल्यू होता है। क्लियर बात इतना है। ठीक है, और इधर चलेंगे आप प्लस में, आपका साइन 60 ये भी आपका रूट 3/2 के बराबर इंटू में साइन 30 जो था आपका 1/2 के बराबर होता है। सॉल्व कीजिए यहाँ पे यहाँ पे तो रूट 3/4 हो जाएगा, प्लस में इधर भी रूट 3/4 हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर भी आपका रूट 3, इधर भी आपका रूट 3, 2√3 मिलेगा तो आपका 2√3/4। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 टाइम में कटेगा तो √3/2 हो जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे RHS पार्ट इसका, ये रहा आपका LHS पार्ट, ये रहा आपका RHS पार्ट। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका √3/2। तो इधर भी आपका √3/2, इधर भी आपका √3/2, दोनों का दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो LHS जो होगा आपका RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आया 2 × sin 30° × cos 30° बराबर है साइन 60 डिग्री के बराबर। तो 2 का 2 रहेगा अपन, साइन 30 का कितना वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है, कॉस 30 का कितना वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना तो √3/2 बचेगा, जो कि आपका LHS पार्ट है। और इधर आप अगर RHS को सॉल्व करोगे तो RHS को सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, तो साइन 60 दे रखा था आपका RHS में, साइन 60 का वैल्यू भी होता है आपका √3/2। यहाँ पर दोनों का दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर बराबर, डैट मीन्स LHS बराबर हो गया आपका RHS, ये भी आपका प्रूव हो गया। एक लास्ट देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है 2 sin 45° × cos 45 है। तो 2 का 2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी होता है 1/√2। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 1/√2 √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका, ये भी आपका होता है 1 के बराबर। तो ये भी आपका दोनों आपस में बराबर। तो ये आपका था LHS, ये आपका था RHS, डैट मीन्स LHS जो होगा RHS के बराबर हो चुका है। ठीक है, LHS जो होगा RHS के बराबर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप।